અત્યારે તમે જોવો કે જો બધા મજામાં ધોરણ 5 ની અંદર આપણે હિન્દી વિષય પાંચમા ધોરણના હિન્દીમાં મિત્રો આપણે બધા જ પાઠ છે કોણો કરી લીધા છે અને એના સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ સ્વાધ્યાયની અંદર આઠમો જે પાઠ છે પ્રથમેલા પેજ નંબર 47 ઉપર એના પ્રશ્ન જવાબ આપણે જોયા હતા એમાં ફરીથી એક રિવિઝન કરી લઈએ શબ્દાર્થ કુટિયા ચોપડી શાયર કદાચ શક શંકા નિકટ નજદીક ચરણ પેર દોષ અપરાધ કર્તવ્ય ફરજ આદેશ હુકમ આજ્ઞા ખડાઓ લકડી કી બની પાદુકા તો મિત્રો આની અંદર આપણે ગુજરાતી પણ કરતા જઈશું કોટિયા એટલે ઝોપડી એટલે કે ઝોપડી શાયદ એટલે કદાચ એટલે કદાચ શક શંકા એટલે કે શંકા ગુજરાતીમાં પણ શંકા છે નિકટ એટલે નજીક એટલે કે નજીક ચરણ તો પેર એટલે કે પગ આપણા પગની વાત છે દોષ અપરાધ ગુનો કર્તવ્ય ફરજ ફરજ આદેશ હુકમ આજ્ઞા તો હુકમ કે આજ્ઞા ખડાઓ લકડીથી બની પાદુકા લાકડાના બનેલા ચપ્પલ જે સાધુ લોકો પહેરતા હોય મુહાવરે ઉત્તેજિત હોના ગુસ્સા બના ઉત્તેજિત થવું એટલે કે ગુસ્સો થઈ જવું ગલે લગાના પ્યાર સે મિલના ગળે મળવું પ્રેમથી મળવું ગદગદ હોના પુલકિત હોના આનંદિત હોના ગદગદ એટલે કે આનંદિત થઈ જવું પ્રશ્નો કે ઉત્તર દેજે ભરત કો આજ્ઞાને દેખ લક્ષ્મણ કો ક્યા શંકા હોય ભરત કો આકર્તે આતે દેખકર ભરત કો આતે દેખકર લક્ષ્મણ કો શંકા હોય કે શાયદ વો લડને આ રહે હૈ રામ કો દેખકર ભરત ને કહે દિયા રામ કો દેખકર ભરત ઉસકે ચરણો મે ગિર ગયે રામ અપના વનવાસ ક્યું પૂરા કરના ચાહતે હૈ રામ અપના વનવાસ ઇસલિયે પૂરા કરના ચાહતે હૈ ક્યોંકિ રામ एक आदर्श पुत्र है और अपने माता पिता के उसने जो उसको वचन दिया है वो पूर्ण करना चाहते हैं उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं राम ने नगरजनों से क्या कहा राम ने नगरजनों से वापस अपने घर अपने राजा भरत को अपने भरत को ही महाराज मानने का और वापस जाने का आदेश दिया भरत की जगह आप होते तो क्या करते जाहिर सी बात है मित्रों अगर भरत की जगह हम होते तो पूरा राज्य मिलने पर हम राज्य ले लेते ठीक है क्योंकि हम लालच से भरे पुतलियां हैं हम सब लालच से भरे पुतलियां हैं इसलिए जो भरत ने किया वो हम कदापि नहीं कर सकते 40 कोई भी रेफर यहाँ पे चिपकाए और दिए गए रेफर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए यह किसका रेफर है रेफर यानी कुछ भी चित्र है वो कटिंग करके हमें यहाँ पे चिपकाना है और उसके आंसर देने हैं यह किसका रेपर है जो भी आपने यहाँ पे चिपकाया है वो किसका चित्र है इस रेपर का पर क्या कीमत छपी हुई है यानी जो भी प्रोडक्ट कोई है उसकी कीमत भी इसमें लिखी हुई है वैसा रेपर चिपकाना है इस पैकिंग इसका पैकिंग कब होगा इसका उपयोग कब तक करना चाहिए इसके अलावा रेपर में कौन कौन सी उपयोगी बातें छिपी छपी हुई है तो यहाँ पे कोई भी अगर साबुन है तो साबुन का रेपर चिपका सकते हैं तेल है तो तेल के ऊपर जो भी रेपर है वो वहां पे चिपका के इस प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं नीचे देखिए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए पहला है हॉस्पिटल दूसरा है रेलवे क्रॉसिंग तीसरा है साइकिल क्रॉसिंग सॉरी तीसरा है पैदल यात्री क्रॉसिंग फिर साइकिल क्रॉसिंग फिर रेलवे आरक्षित अरक्षित रेलवे क्रॉसिंग अरक्षित ये चार है ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए लक्ष्मण उपेक्षित क्षमा योद्धा इच्छा प्रज्ञा प्रजा कर्तव्य ध्यान प्रभु और इन्हें चलिए ठीक है तो 47 48 और 49 पेजेस पर हमने जो स्वाध्याय किए हैं उससे आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 50 पे राम सीता और लक्ष्मण कहाँ गए राम सीता और लक्ष्मण वनवास गए
राम ने नगर जनों को क्या समझाया? राम ने नगर जनों को समझाया कि पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, आप भरत को ही अपना महाराज मानकर वापस चले जाइए। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपनी वापस जाने का आदेश दिया और अपनी खड़ाव दी। भरत ने खड़ाव लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने खड़ाव लेकर अपने सिंहासन पर रखकर उसी का उसी को राजा मानकर का काम काज एक सेवक की तरह करने का निश्चय किया। आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? नॉर्मली हम अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन भरत जैसा भाई किसी को नहीं मिल सकता। ऐसा भाई एक सदी में एक ही बार पैदा होता है। नीचे देखे वाक्य में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। रोटी को देख बिल्ली के मुंह में एक ही बार ऊपर मैं आ गया, पानी आ गया। मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, मैं यानी मैं हूं अने मैं एटले मां अंदर। मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, इसलिए मुंह का उसको आ रोटी मारी। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, बड़े बिल्लियों मां झगड़ो थे गयो। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी, मैं एटले हूँ झपटी थी एटले के पहले ट्राई की थी। जल फल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी के नाम अलग अलग लिखे हैं। जल में रहने वाले बहुत सारे हैं, बतख, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, ठीक है, ये बहुत सारे जानवर हैं। फल पर यानी जमीन पर रहने वाले तो आप बहुत सारे बोल ही सकते हो, और पेड़ों पर रहने वाले जानवर बहुत सारे हैं, ये आपको लिखना है। फिर पेज नंबर 51 पर, पेज नंबर 51, भाषा सज्जता, अपना नाम लिखिए, अपने गांव शहर का नाम लिखिए, अपने दोस्तों के नाम लिखिए, तीन चार नदियों के नाम लिखिए और गिने तीन पर्वतों के नाम लिखिए। आपने जो उपयुक्त नाम लिखे उसे नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। पेज नंबर 52, सोचो और लिखो आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं जो संज्ञा है। हर एक चीज जिसका नाम है वो संज्ञा है। उचित जोड़ बनाइए, महेश लड़का, हिमालय पर्वत, गंगा नदी, रामायण पुस्तक और भारत देश। विभागों में निर्देशित शब्द महेश, हिमालय, गंगा, रामायण, भारत नाम निर्देश करते हैं तथा वह विभाग उसकी जाति का निर्देश करते हैं, तो ये सभी संज्ञा है, ठीक है। तो आज हमने पेज नंबर 47 से लेकर 52 पांच पेज किए हैं। तो मित्रों आज है 47, 48, 49, 50, 51 અને 52 આટલા પેજીસ ઉપરના સાથે આપણે કરેલા છે। તો આ બધા પેજીસ ની ઉપર આપણે સ્વાધ્યાય વ્યવસ્થિત અક્ષરે બાકી બુકમાં એકવાર અને રફ બુકમાં પણ એકવાર ગણવાનું છે। આ તમારે લખવાનું છે, તમારે કોલ એક અને બે વાર, એક વાર બાકી બુકમાં એક વાર રફ બુકમાં લખવાનું છે। સમજાય કે મિત્રો? હા કે ના? બરાબર છે, તો હવે આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું। ત્યાર સુધી મિત્રો ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો, થેન્ક યુ।